नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप्रेंट पिंटी में आपका स्वागत है। यह हमारा माइंड बूस्टर का अगला सीरीज है। इसमें हमने सारे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें शामिल किया है। आप इसे फॉलो करते रहिए। पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? तो जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था उत्तर भारत पर, उस समय नंद वंश का शासन था और यह मगध वंश के अंतर्गत नंद वंश आता था, जिसका अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद से ही सिकंदर का युद्ध हुआ था। घनानंद युद्ध में हार गया था, लेकिन सिकंदर घनानंद की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ था और बिना उसे क्षति पहुंचाए वह आगे की तरफ बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल में जो राग गाया जाता है उसे कहते हैं राग दरबारी। ये बड़े बड़े घरानों में गाए जाने वाले राग है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। यहाँ पर दोनों कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहारिक रूप में कब सामने आया? तो जिस समय भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहारिक रूप में सामने आया था वह समय था ग्रीक शासक सिकंदर के आक्रमण का। सिकंदर ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंपा था और यहीं से सैनिक शासन का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न सूची को सुमेलित करने से संबंधित है। इसमें औद्योगिक प्रक्रम और उससे संबंधित उद्योग की सूची दी हुई है। पहला है भंजन। भंजन इसे क्रैकिंग भी कहते हैं और यह पेट्रोलियम से संबंधित है। इस क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और इससे पेट्रोलियम की प्राप्ति हो जाती है। अगला है प्रगलन। प्रगलन इसे स्मेल्टिंग भी कहते हैं और यह ताम्र उद्योग से संबंधित है। यह एक रासायनिक विधि है जिससे तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त कर लिया जाता है। अगला है हाइड्रोजनीकरण। इसे हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं और यह खाद्य वसा से संबंधित है। खाद्य तेलों पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करके यह खाद्य तेल या वनस्पति घी में परिवर्तित कराया जाता है। अगला है बल्कनीकरण। बल्कनीकरण जो है यह कृत्रिम रबड़ से संबंधित है और इस विधि के द्वारा कृत्रिम रबड़ प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कठोर जल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कठोर जल किसके लिए उपयुक्त नहीं है? पहला है पीने के लिए, दूसरा कठोर जल उपयुक्त नहीं है साबुन से कपड़े धोने के लिए, और तीसरा कठोर जल उपयुक्त नहीं है फसल की सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न सुमेलित करने से संबंधित है। यहाँ पे सूची दी हुई है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उससे स्रावित हार्मोन की सूची है। पहला है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। अगला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला है अग्न्याशय। अग्न्याशय इसे पेनक्रियाज कहा जाता है और इससे इंसुलिन स्रावित होता है। अगला है अधिविक्त और इससे कार्टिसोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा कब वाणिज्यिक तंतु
बनता है? रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो वह जो समय होता है उसे कहते हैं डिंभक या लार्वा। और इसका जो रेशम के कीड़े का जो क्रम है वह पहले होता है एग, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद इमेगो। इमेगो को सिल्क मॉथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने से संबंधित। यहाँ पे दो सूची दी हुई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें हम सुमेलित करेंगे। कैफीन जो है यह एक मादक पदार्थ होता है और यह पाया जाता है चाय और कॉफी में। उसके बाद निकोटीन है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू और सिगरेट में। टैनिन, टैनिन जो है यह है इससे चमड़ा रंगा जाता है, चमड़ा रंगने में यह इस्तेमाल किया जाता है। और रेनिन, रेनिन जो है एक एंजाइम होता है और यह एंजाइम शीतल पेयों में पाया जाता है, जैसे कोका कोला है। इस तरह से यह पाचन क्रिया में सहायक होता है, रेनिन एंजाइम। तो कैफीन जो है मादक पदार्थ है, निकोटीन भी मादक पदार्थ है और टैनिन जो है यह चमड़े को रंगने में इस्तेमाल किया जाता है और रेनिन एक एंजाइम है जो कि शीतल पेयों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ पे है? सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर प्रांत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, तो इसका कारण होता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम घना होता है, इसलिए वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के किस अंग को हानिकारक विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो हानिकारक विकिरण जो है मनुष्य के नेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है इंडेन गैस एक मिश्रण है, इंडेन गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फोकस अप टू इनफिनिटी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।